नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रंग तर रंग पे आपका स्वागत है। आज मैं मिट्टी से चतुर्भुजी गणेश जी की प्रतिमा को बहुत ही सरल तरीके से बनाने वाला हूँ। बिगिनर्स इस वीडियो को देखकर आसानी से प्रतिमा बना सकते हैं। मैंने प्रतिमा को स्टेप्स में तैयार किया है, इसलिए वीडियोस को स्किप ना करें और पूरा देखें, क्योंकि कोई भी स्टेप छूटने पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले और भी कलात्मक वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मिट्टी से एक चपटा गोला बनाया, उस पर एक बड़ा ओवल शेप बनाकर मैंने इस तरह से चिपका रहा हूँ। इसके लिए इस पर पानी लगाकर स्केच करना बहुत जरूरी है, वरना सूखने पर जॉइंट टूट सकते हैं। ये गणपति के पेट का भाग हुआ। अब हम उनके पैर बनाने वाले हैं, जिसके लिए हम मिट्टी के दो बेलनाकार शेप बनाना होंगे इस तरह से, और इसे अच्छी तरह से इनके पेट के आसपास चिपका देना है। दोस्तों, स्केच करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रहे। चतुर्भुजी गणेश के लिए चार एक जैसे हाथ बना रहा हूँ, ध्यान रहे जो कि पैरों के लिए बनाए गए शेप से थोड़े छोटे हैं। चारों हाथों को अच्छी तरह से चिपकाने के बाद इन्हें कॉर्नर से थोड़ा सा चपटा कर लेंगे, जो कि हाथों के पंजों का प्रभाव देंगे और इन पर हम इनके आयुध अच्छे तरीके से लगा पाएंगे। सिंपल सा गोल शेप यहाँ पर अच्छी तरह से चिपका रहा हूँ। कान बनाने के लिए एक चपटा गोला बनाकर बीच में से कट किया और दोनों को अपोजिट साइड में लगा रहा हूँ। दोस्तों, गणपति को शुभ कर्ण मतलब सुपड़े से कान वाला भी कहा गया है, इसलिए इनके कान मैंने बड़े बड़े बनाए हैं। सिंपल सी एक माला बना देते हैं। गणपति जी की सूंड बनाने के लिए इस तरह का एक भाग लेकर मस्तक से थोड़ा सा नीचे इस तरीके से अच्छी तरह से स्क्रैच करने के बाद यहाँ पर लगाएंगे। थोड़ा सा पानी लगाकर फिनिशिंग कर रहा हूँ। दांत बनाने के लिए यहाँ पर होल करना है, और ध्यान रहे दोस्तों, गणपति का जो लेफ्ट दांत होता है वो कटा हुआ होता है, जैसा कि कुछ कहानियों में और पुराणों में वर्णन है, एक दंत दयावंत, इसलिए लेफ्ट वाला दांत कटा हुआ है और राइट हैंड वाला दांत पूरा होगा इस तरह से। अब बारी है गणपति के मुकुट की, और उसके बाद हम गणपति के अष्टशस्त्र आयुध बनाएंगे। मैं ये गणपति लोक कला शैली का प्रभाव लेकर बना रहा हूँ, इसलिए इनका मुकुट भी थोड़ा सा अलग प्रकार का है, और इनके अष्टशस्त्र और आयुध भी बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन में बनाऊंगा, जैसा कि शुरुआत से लेकर अभी तक आपने देखा। मिट्टी की दो छोटी छोटी पत्तियां बनाकर मैं इनकी आइज बना रहा हूँ, और इसे यहाँ पर मस्तक के आसपास बीच में अच्छी तरीके से चिपकाना है। मुकुट की थोड़ी सी साज सज्जा करने के लिए मैं इस पे एक जैसे मोती बनाए हैं कुछ मिट्टी से ही, मैं यहाँ पर इन्हें लाइन से लगा रहा हूँ,
और इन्हें लगाने के लिए भी मैंने अच्छी तरीके से इस पर पहले स्क्रैच किया है और फिर मैं इसे लगा रहा हूँ। हमारी अगली वीडियो में इसी प्रतिमा पर हम कलर करके दिखाऊंगा। कलर होने के बाद इस तरह की मूर्ति बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। दोस्तों, अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। चारों भुजाओं के लिए आयुध बनाने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं चक्र बनाऊंगा जो कि बहुत सिंपल है। बाहिने हाथ के लिए शंख बना रहा हूँ, इस पर थोड़ी सी कार्विंग की है इस तरह से, जिससे थोड़ा और अट्रैक्टिव हो जाएगा। एक हाथ में लड्डू, सिंपल सा गोला बनाकर इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। आशीर्वाद के हाथ में पुष्प, बहुत ही सिंपल है। मैंने इस प्रतिमा पर ज़्यादा कार्विंग नहीं की है क्योंकि मैं इस पर कलर करने वाला हूँ, पर आप चाहे तो इस पर और भी डिजाइंस कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।